हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एनवायरनमेंट में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को बहुत से आदमी को पता होगा या फिर आप लोगों ने वो लेने का भी सोचा होगा, जैसे कि आप लोग बता दें कि जैसे टाटा स्काई का नया जो सेटअप बॉक्स है, जो कि जिसका नाम है टाटा स्काई बिंज प्लस, जो कि उसमें आप एंड्रॉयड का सभी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया, हॉटस्टार हो गया, और भी काफ़ी सारे जितने भी ऐप है, जो प्रीमियम ऐप सब है, वो आपको उस टाटा स्काई बिंज प्लस में मिल जाएगा। तो इसका कभी कभी एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर आप लोग नया लेते हैं और उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है, और ये मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये कॉमन है कि आपको जैसे कि वहाँ पे आप जब भी लेंगे तो वहाँ पे मतलब जैसे कि आपको वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम होगा, तो उसमें आपको सिंपली लिखा रहता है योर बॉक्स इज नॉट रिसीविंग सिग्नल, और तीन प्रकार का आता है, तो उसमें स्विच ऑफ या फिर ऐसे कुछ कुछ मतलब लिखा हुआ आता है। तो इसमें इसका आज सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसका सोल्यूशन जानने से पहले, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। तो इसका बेसिकली जब भी आपका ये प्रॉब्लम आएगा, तो सबसे पहले तो आप टाटा स्काई का जो टेक्नीशियन सब है, जैसे कि टाटा स्काई टीम टेक्नीशियन ये सब इंजीनियर ये सब है, तो उनको आपको पहले कॉल करना है या फिर टाटा स्काई के कस्टमर केयर नंबर पर आपको फ़ोन करना है। तो उसमें आपको बेसिकली वो फ़ोन करके आपको प्रॉब्लम उनको बता देना है, और प्रॉब्लम बताने के बाद आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं भी करते हैं तो आपको मतलब ये बेसिकली तीन चीज़ों के कारण हो सकता है, जैसे कि आपको जो एंटीना ऊपर या फिर मतलब अगल बगल कहीं भी लगा होगा तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसका उसके कारण भी हो सकता है, या फिर वेदर ख़राब, जैसे कि मौसम का खराबी होना, उसके कारण भी आपको सेटेलाइट मतलब जो सिग्नल है वो ख़त्म हो सकता है, वो मतलब नहीं मिल सकता है। और उसके बाद जैसे कि आप जैसे कि सेकेंड में हो सकता है कि आप जो भी तार वार जो भी केबल है तो उसका कनेक्शन अच्छा से ना हो नहीं होना, वो भी कारण हो सकता है, जैसे कि उसमें HDMI केबल होता है, फिर ये जो टाटा स्काई का जो छत्ता होता है उसका केबल होता है, या फिर और एक पावर केबल, तो ये सब अगर ढीला उला हो तो उसके कारण भी आपका सिग्नल वहाँ पे मिस हो सकता है। और तीसरा कारण हो सकता है, जैसे कि आप टाटा स्काई बिंज प्लस वो एंड्रॉयड है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर लगता है, तो सॉफ्टवेयर जो वर्जन होता है जो वो ओल्ड वर्जन होने के कारण भी कभी कभी सिग्नल नहीं ले पाता है। तो उसमें आपको सिंपली करना ये है कि जो पहले आप नहीं तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप टेक्नीशियन को बुला लें, मतलब जो टाटा स्काई का जो इंजीनियर साहब है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जैसे कि वो आपके आएंगे और वहाँ पर जो एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर देंगे, और जितना भी आपका मतलब जो भी है वो सारा चलने लगेगा, आपका नॉर्मल चैनल या फिर जितना मतलब जितना भी है सब आपका वहाँ पे चलने लगेगा। तो अगर ये खुद भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेटिंग में जाना है, फिर अबाउट प्रेफरेंस या फिर कुछ ऐसा लिखा रहता है, प्रेफरेंस कुछ लिखा रहता है, उसमें आपको जाना है, उसके बाद वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपडेट लिखना है, अपडेट का जो ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे अपडेट होने लगेगा। ये बेसिकली लगभग वही 500 से 1000 के बीच में MB के बीच में होता है। तो आपको ये अगर अपडेट कर देंगे तो आपका जो जितना भी प्रॉब्लम है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली जैसे कि आप अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप टाटा स्काई का टीम को ही बुला लें, क्योंकि इसमें 3 साल का वारंटी होता है, और 1 साल में अगर ख़राबी हो जाता है आपका बॉक्स में तो आपको यहाँ पे जितना भी मतलब आपका वो एक्सचेंज हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे है वो बिल्कुल फ्री में होता है सब्सक्राइब। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Till I get up, time is barely on our